एक तो ऑरेंज केक चलना। अब पहले हम केक बनाएंगे, क्योंकि केक बहुत सिंपल और जल्दी बनने वाला है। ये ओवन में जाएगा ताकि बेक हो जाए, फिर हम ब्रेड की तरफ आएंगे। तो ठीक जी, डन। बिल्कुल, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। इसमें कोई हमारे पास लेवनिंग एजेंट नहीं है, कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, चंद इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ये बनेगा। एक छोटी सी चीज़ जो इसमें समझाने वाली है वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज की प्यूरी है, ये आप देख लीजिए। और ये किस तरह से बनी है सिर्फ दिखा दूँ आप लोगों को, कि जैसे नॉर्मल आपने किसी छोटे पैन में सॉस पैन में पानी लेना है, और इसमें मैंने दो ऑरेंजेस जो हैं इस तरह से डाल के फुल डिप हो जाएं, इसको बॉईल किया है 10 मिनट तक, यहाँ तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। जब ये ऑरेंजेस सॉफ्ट होंगे आप इसको निकालेंगे, पानी आपने डिस्कार्ड कर देना है। इसका ये जो ऊपर स्टेम है ग्रीन पार्ट, ये आपने ज़रूर रिमूव कर देना है, कड़वाहट आ जाएगी, ये आप रिमूव करेंगे। फिर इसके बाद आप इसको सेंटर से कट करके दो हिस्सों में करके इसके सारे सीड्स आउट करेंगे। जब सीड्स निकल जाएंगे फिर आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके ये वाली प्यूरी छिलके समेत जी इसको कहीं भी इसका ये स्किन रिमूव नहीं करना, ठीक है? लाती तो बहुत कड़वा होगा। बिल्कुल भी नहीं, आप ये बहुत मजे का है। really? जी ये इसी तरह बनता है। तो आपने इसको छिलके समेत जो है ब्लेंड कर देना। कुछ भी नहीं अभी, कुछ भी नहीं, बस ये सिंपल प्यूरी बना के रखी हुई है, इसमें से सीड्स निकाले हैं और कुछ भी नहीं निकाला हुआ, ठीक है? कोई फ्लैश अंदर का आपने नहीं निकालना, बस ये मैंने बताना था। हैरानी हो रही है जी। oh my God. अब नेक्स्ट स्टेप में अच्छा इसका... मैं रिपीट करूं ताकि मेरी समझ के लिए। देखें आपने कितना पानी लिया, इतना कि उसमें दो कीनू डिप हो जाए ठीक है। और कीनू लिए, मोसंबी नहीं? नहीं, कीनू लिए मैंने। दो कीनू पानी में, इतना पानी लें कि उसमें डिप हो जाए, ठीक है? और उसको फिर जब वो नरम हो जाए तो आपने उसको निकाला, उसका ऊपर का वो निकाल लिया, हाँ स्टेम निकाल के फिर आपने उसको बीच से काटा, काटने के बाद आपने उसको खोला और उसके बीज निकाल दिए और फिर छिलके समेत आपने उसको प्यूरी कर दिया, प्यूरी कर दोनों को और वो ये बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे ये दो कीनू की, अच्छा दो गुड साइज ऑरेंजेस, नहीं सालिक पूछे मौसम्बी के साथ कर सकते हैं? अब करने को कर सकते हैं, लेकिन ऑरेंज केक है तो ऑरेंज ही बेस्ट है। और जो लोग बाहर से देख रहे हैं वहाँ नेवल मिलता है, अगर उनको पता हो, जो डेफिनेट सी बात है बाहर नेवल मिलता है जो कि सीडलेस होता है। तो जी वो मौसम्बी और ऑरेंज केक कह लेंगे, बीच का एक फ्लेवर है, बहुत मज़े का होता है। तो वो आप नेवल से बनाएंगे और हम लोग क्योंकि पाकिस्तान में, तो हम कीनू से बनाएंगे। ठीक है, कीनू से इसका बहुत अच्छा इंटेंस फ्लेवर आएगा, बहुत ऑरेंजी और बहुत मज़े। बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कड़वा नहीं होगा। नहीं, अब बिल्कुल कड़वा नहीं है, और इसके बाद जब केक बनेगा तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। है थोड़ा सा अब पता है क्यों अभी आपका लग रहा है, लेकिन जब हम केक में बनाएंगे ना, बिल्कुल आप केक ट्राई कीजिएगा, जब भी बेक होगा ना मैं केक खिलाऊंगी आपको। अच्छा, अच्छा ये नेवल खैर अगर कड़वा थोड़ा सा है भी तो वो मामलेट वाला टेक्सचर है, लेकिन आप जब ये केक में जाएगा ना तो ये बिल्कुल भी नहीं फील होगा, सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर आपके मुंह में आएगा। तो एनीवेज ये बहुत बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, मेरे पास यहाँ पे 6 eggs हैं, ठीक है? 6 eggs बिल्कुल सेपरेटेड, इसकी वाइट्स हमने अलग की हैं। एज यूजुअल वाइट, जब भी मरैंग की बात होती है तो इसको आपने सिरके से साफ करना है, ठीक है? पहले मैं मरैंग इसलिए बना रही हूँ कि बोल को हमें धोना ना पड़े, हम इसकी सिंपल एग वाइट विप करेंगे। शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहें तो इसी के साथ कर दें वरना ना भी करें, बस एग वाइट्स को मैं विप करूँगी। और जब तक ये बीच हो रहा है हम छोटी सी ब्रेक लेके आए, कोई चीनी नहीं ऐड की, कुछ भी नहीं किया, हम चीनी जो है वो एग योक्स के साथ ऐड करेंगे। थोड़ा सा और बीच कर लो, जो है इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। ठीक
इसी बोल में जो है हम ये एग योक्स ऐड कर रही हूँ मैं, ठीक है, 6 एग योक्स है हमारे पास, और कैस्टर शुगर है 1 कप जी, 220 ग्राम्स मैंने अभी मेजर किया है, 1 कप जी, और ये जो आलमंड फ्लावर है 300 ग्राम्स, दैट्स 3 कप्स। चीनी डाल दी बेटा जी अब जी, एग योक्स के साथ ही मैंने वो ऐड की है, ठीक है। अच्छा, जब तक ये बीट हो रहा है मैं साथ साथ इसका एक ग्लेज बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। आपने एक या दो ऑरेंजेस का, एक ऑरेंज भी काफ़ी अगर गुड साइज है, आपने ऑरेंज जूस निकाल लेना है, ठीक है, और थोड़ी सी शुगर है बिल्कुल 2 टेबल स्पून के करीब, 1/2 कप है ऑरेंज जूस जी, ठीक है, ठीक है। और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा, बस मैं शुगर मेल्ट करूँगी और थोड़ा सा हम कुक करेंगे, अच्छा गुड बॉयल देंगे। जब हमारा केक अवन से रेडी होकर बाहर आएगा ये ग्लेज हम उसके ऊपर देंगे, ठीक है जी। कितनी देर बॉयल करना है इसको? अब यानी बस इतना कि एक अच्छा गुड बॉयल बबल्स आने लग जाएं, थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाएगा, रिडक्शन रेडी हो जाएगा इसका। एग योक्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। अगर आपको याद हो मैंने जब साखर टॉट बताया था उसमें भी कमोबेश इसी टाइप की टेक्निक थी, और साखर टॉट के स्पंज में भी मैंने कहा था कि 7 मिनट्स तक एटलीस्ट आपने एग योक्स जो है उनको बीट करना है। रीज़न क्या होती है कि हमारे पास कोई लेवनिंग एजेंट नहीं है, तो यही वो चीज़ है जो आपके केक को एक गुड राइस देता है, उसको अच्छा सा टेक्सचर देता है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, मैं ज़मीना मोहसिन बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी बेटा बोलिए जी। मैं आपके शो 15 साल से जैसे आप ये चला रहे हैं, बहुत अच्छा आपका शो है, और क्या नाम लेते हैं, मैंने मेरी बेटी की 17 दिसंबर को बर्थडे थी तो मैंने इसे फ्राइड चिकन बनाया था, मेथी मोल बनाया था, बहुत मजे का, और चिकन चाउमिन सूप बनाया था उसकी बर्थडे पे। मैं कहती हूँ कि अगर मैंने इतना अच्छा बनाया है तो आपके हाथों में कितना मजा होगा। यकीन जानिए कि बहुत ही मजे का बना, बहुत मुझे समझ नहीं आया आपने क्या क्या बनाया। मैं भी कुकिंग करती हूँ, मैं भी इंडिया हिंदुस्तान यानी कि क्या कह रही हैं आप, हिंदुस्तान? मैं भी इंडिया से बिलोंग करती हूँ, मेरे भी उधर फैमिली रिलेटिव है, हम भी हिंदुस्तानी खाने बनाते हैं। अच्छा जबरदस्त, मेरी अम्मी इंडिया की है, मेरा नानका सारा इंडिया से, जबरदस्त। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। बिल्कुल स्टिफ हो गई है एग योक भी जी, जरा सा रोक के दिखा दो साइना जी, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से ठीक हो गई, बिल्कुल रिबन स्टेज पे आ गई है, ठीक है जी। रिबन स्टेज हम ये कहते हैं, ये जो जब इसका रिबन नीचे गिर रहा होता है और वो कुछ 3 सेकंड्स तक डिसॉल्व ना हो तो वो रिबन स्टेज हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा बस करके मैं इसमें साथ साथ जो है ये प्यूरी हमारे पास है ये मैं इसमें 1-1 चम्मच करके ऐड करूँगी, एक एक टेबल स्पून करके जी, जी। इसकी रीज़न ये है आपा कि उसमें जो कैस्टर शुगर है ना वो ज़रा आराम आराम से डिसॉल्व हो रही है, और कोई वजह नहीं है, बस थोड़ा सा वो डिसॉल्व हो जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हालांकि कोई एसेंस नहीं है, कुछ नहीं जी है। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, इसी का फ्लेवर है प्योर। ये हमने सब ऐड कर दिया यहाँ पे, और इसके साथ ही इसमें जो है
इसको रोक कर, और फिर मैं जो हूँ आमंड मील है हमारे पास, ये हम ऐड करेंगे एक साथ। जी अब एक साथ ही ऐड कर देंगे। आप अगर चाहें छोटा केक बनाना तो आप इसकी क्वांटिटी को हाफ़ कर दीजिएगा, एक ऑरेंज ले लीजिएगा, तीन अंडे ले लीजिएगा, इसको कम कर दीजिएगा, ठीक है, हर चीज़ आदि कर सकते हैं। बिल्कुल लोएस्ट स्पीड के ऊपर हम इसको जो है मिक्स करेंगे। जैसे ही ये मिक्स होगा इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है हमारा जो मरेंग है, एग वाइट जो मैंने व्हिप किए हुए हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत यूनिक है इसका फ्लेवर, बहुत बहुत मज़े का है, आप लोग इन्जॉय करेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। ठीक है, और ये जो हमारी बाकी की एग वाइट्स हैं वो भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। लोएस्ट पे इसको बस हम मिक्स करेंगे। मेरे पास 8 इंचेस का केक पैन है। अब ये बिल्कुल लगेगा कि फुल हो गया है, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा राइज नहीं होता है, बड़ा अच्छा सॉफ्ट और डेंस सा केक है, तो ये भी चलेगा। आप चाहे जल्दी बेक करना तो 9 इंच और 10 इंच का भी ले सकते हैं, 10 इंच का भी ले सकते हैं, वो बस ये का थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाएगा, लेकिन ये कि जल्दी बेक होगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम भी हमें 45 to 50 मिनट्स लग जाते हैं इस केक में। तो हम 9 इंच ही लिखते हैं ना? बिल्कुल, आप 9 इंच भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम एग वाइट्स को डीफ्लेट नहीं करेंगे। और थोड़ा सा ये इसका बैटर रनी है। हाँ रनी, जी रनी है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन तो है ही नहीं ना, तो इस वजह से। ठीक है, इसको हम अच्छे से फिल करेंगे। बेशक ऊपर तक भर जाए, बिल्कुल आपका कोई इशू नहीं है, बस इतनी जगह तो खैर रहे थोड़ी सी। जी, बहुत ज़्यादा इसको टैप भी नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है, बस इसको हम जो है 160 या 165 डिग्री सेल्सियस पे जो है हम बेक करेंगे अवन में। ठीक है, और 40 मिनट्स। जी अच्छा, यहाँ पे ये भी अच्छे से बॉईल हो गया है, मैं इसको दिखा देती हूँ, बस इतना ही रखना है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा बच गया है। जी सिर्फ तकरीबन रिड्यूस्ड हो गया, आधा कप हमने डाला था ऑरेंज जूस, तो ये क्वार्टर कप रह गया। और जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, स्टिकी सा हो जाएगा। ठीक है, इससे हम जो इसको ग्लेज करेंगे दूंगी, अदरवाइज ये मैंने जो बनाया हुआ है ना उसको मैंने सिंपल फूला है। जी, मैंने इसको सिंपल इस तरह से ब्रश की मदद से, ये जो ग्लेज हमने रेडी किया था ये ग्लेज लगाया। ठीक है, ये ग्लेज लगा कर, और ये मैंने थोड़े से कैरामलाइज्ड ऑरेंजेस किए हुए थे वो मैंने ऊपर रख दिए। इस तरह की मैंने तो देख लिया जी, इसमें सिंपल ऑरेंज के स्लाइसेस करके मैंने थोड़ी सी चीनी, अंदाजे से मैंने 3 टेबलस्पून लिए थे, उसको हल्का सा जब वो मेल्ट होना शुरू हुई तो मैंने ऑरेंजेस रख दिए बीच में, और जब वो कैरामल हो गई अच्छे से बबल बबल से बन गए, उसको मैंने निकाल के हल्का सा बस रख दिया ये सॉफ्ट उसके। अच्छा, इसकी निशानी ये होती है कि इसका ये जो अंदर का वाइट पार्ट होता है ऑरेंज का, ये ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, बस ये